हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुन्नी अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM गवर्नमेंट कॉलेज डीगाना से। मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ BCom थर्ड ईयर का सब्जेक्ट बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका फर्स्ट पेपर है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, परियोजना नियोजन एवं बजट नियंत्रण। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो लेने वाले हैं वो हम लेंगे मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन मीन्स प्रोजेक्ट क्या होता है, परियोजना क्या होती है, एक परियोजना की क्या विशेषताएं होती है। हम उस परियोजना का चयन, परियोजना का परिचय, परियोजना को आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट जो है एनी अंडरटेकिंग विद अ डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स बाय विच कंप्लीशन इज डिफाइंड। मीन्स कोई भी एक ऐसा काम, कोई भी एक ऐसा टास्क जो आप शुरू करने जा रहे हो, जैसे कि आपको सपोज़ कोई आप फार्मेसी कंपनी में काम करते हैं और आपको किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की दवा बनानी है। जैसे सपोज़ अभी COVID-19 है, अब कोई फार्मेसी कंपनी यह सोचती है कि हमें COVID-19 की दवा बनानी है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको दवा बनानी है। यह काम कब से शुरू होना है और यह काम कब ख़त्म होना है। हालांकि फार्मेसी कंपनी के लिए दवा बनाने का काम थोड़ा टफ़ इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी दवा का जो कॉम्पोजिशन है वह इन्वेंट नहीं हुआ है। मीन्स COVID-19 एक एग्ज़ाम्पल था। तो इस तरह से जैसे सपोज़ कोई रोडवेज़ कंपनी है, तो उसको कितनी बसेस परचेज करनी है, तो बसेस कब से लेकर कब तक परचेज करनी है, या फिर कोई रोड मेकिंग जो रोड बनाती है उसको रोड बनानी है, तो रोड बनाने का काम कब से शुरू होगा, काम कब ख़त्म होगा, और रोड बनाना ये उसका ऑब्जेक्टिव है, और रोड को अच्छी क्वालिटी के साथ बनाना ये उसका एक हिडन ऑब्जेक्टिव है। प्रोजेक्ट बाय डेफिनेशन इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस डेवलपमेंट, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट और सो ऑन। मीन्स प्रोजेक्ट कोई ऐसे सर्टेन नहीं है कि आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन है तो ही प्रोजेक्ट है। अगर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई नया कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट है। और अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस तो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, उसमें आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट है। अगर आप प्रोसेस नया ले रहे हैं, नया प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी आपका प्रोजेक्ट में आएगा। अगर आप कोई नए तरह का बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट है। सॉरी। सो प्रोजेक्ट में हर तरह की चीज़ इंक्लूड होती है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट, प्रोसेस डेवलपमेंट एंड न्यू बिजनेस डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट मतलब एक कोई परियोजना है, तो उस परियोजना जो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उससे उसके कुछ फीचर्स निकल के आते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं निकल के आती है। तो प्रोजेक्ट का सबसे पहला फीचर ये है कि इसका एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है। बिना कोई उद्देश्य के लिए कोई परियोजना नहीं हो सकती है। आप बिना कोई एम लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसे आप बिना लक्ष्य का कार्य कहेंगे, उसे आप प्रोजेक्ट नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है कि एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है। मीन्स ऐसा है कि प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई एक काम किया और आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। जैसे सपोज़ आपको किसी घर के लिए फर्नीचर बनवाना है, तो आपको काम कब से स्टार्ट करना है, उसके बाद में आप काम स्टार्ट करने के बाद में उसमें कितने रूम्स में आपको फर्नीचर डलवाना है। फर्नीचर के लिए आप पहले लकड़ी बाय करेंगे, आप कारपेंटर को बुलाएंगे, आप उस पर कलर, पेंट, पॉलिशिंग करवाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जिसके सेट को आप क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। उसके बाद में आता है कि जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो उसमें बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। मीन्स इंटीरियर डेकोरेटर की ज़रूरत अलग होगी आपको, हो सकता है कि आपको उसमें किसी सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़े अगर आपको बाहर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है। उसके अलावा आपको पेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डेकोरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट नीड्स मल्टीपल स्किल्स।
इट हैज़ कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम रिसोर्सेज एंड बजट इट इज़ यूनिक मीन्स ऐसा है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें जितना चाहें उतना पैसा वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट का अपना एक बजट होता है कि आपको इतने इतने रिसोर्सेज और इतने बजट के साथ इसको बनाना है। मीन्स आपके पास ये सामान है, ये रिसोर्सेज है, इतना टाइम आपके पास है और इतना बजट है, इतना कैपिटल अवेलेबल है, इसमें आपको इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। सो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, जिन लिमिटेशंस को हम टाइम, रिसोर्स और बजट कह सकते हैं। प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक होता है, मतलब वह हट के होता है। अगर दो लोगों ने एक ही तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया है, हो सकता है कि उनका एक आउटलाइन सेम हो, लेकिन फिर भी उसमें जो काम करने वाले लोग अलग अलग होंगे, उनका काम करने का और सोचने का तरीका अलग अलग होगा, और इस तरह से हर प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से बिल्कुल यूनिक होता है। सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है कि प्रोजेक्ट के कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स मतलब वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके द्वारा एक परियोजना को आप कंट्रोल करते हैं। मीन्स आप कैसे देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट मैंने जिस तरह से सोचा था उस तरह से वो कंप्लीट हुआ या नहीं, मेरा टारगेट मुझे अचीव हुआ या नहीं। तो व्हाट आर द कंट्रोल वेरिएबल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। एक मिनट, तो इसमें देखिए हम देखते हैं, सबसे पहले आता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मीन्स आपने जितना टाइम सोचा था क्या उतने ही टाइम में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, या कम टाइम में हो गया है, या ज़्यादा टाइम लगा है। सो टाइम इज़ द फर्स्ट कंट्रोल वेरिएबल। उसके बाद में आता है कॉस्ट। मीन्स आपने जितना जितना बजट सोच के आप चल रहे थे कि मुझे इतने पैसे में ये काम खत्म करवाना है, जैसे आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, टेंडर देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स होता है, तो आप जो कॉस्ट सोच कर चले थे उसी कॉस्ट में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो कॉस्ट आपका दूसरा कंट्रोल वेरिएबल है। थर्ड कंट्रोल वेरिएबल आता है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स कि आप जिस गुणवत्ता का प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहे थे, जैसे आपने कोई ब्रिज, कोई डैम बनाने का प्रोजेक्ट किसी को दिया, लाइक गवर्नमेंट ने किसी को प्रोजेक्ट दिया, तो गवर्नमेंट किस क्वालिटी का प्रोजेक्ट चाह रही थी, क्या वैसा ही क्वालिटी का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को बन के मिला है, क्या आउटपुट वैसा ही है जिस क्वालिटी का गवर्नमेंट ने चाहा था। सो क्वालिटी इज़ द नेक्स्ट कंट्रोल वेरिएबल। बिना क्वालिटी मेंटेन किए अगर काम टाइम पे या कॉस्ट उसी कॉस्ट पे बन ख़त्म हो जाता है, तो उसे हम प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रोजेक्ट के टारगेट अचीव हो गए हैं, क्योंकि जब तक क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, जो क्वालिटी हम चाह रहे थे वो नहीं मेंटेन हो रही है, तब तक हम नहीं मान सकते कि हमारे प्रोजेक्ट के टारगेट्स पूरे हो गए हैं। उसके बाद में आता है स्कोप। स्कोप में आता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स विच आर स्पेसिफाइड फॉर द एंड रिजल्ट। मतलब जो भी एंड रिजल्ट आप मान रहे थे उसकी व्हाट आर द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। जैसे सपोज एक कंपनी को अपना एक नया मोबाइल हैंडसेट बनाना था, तो उसके लिए कंपनी जो भी मेमोरी, स्पेस या कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स कंपनी फुलफ़िल करना चाह रही थी, अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं होती है तो फिर उस प्रोजेक्ट का मतलब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आता है रिस्क। रिस्क इज़ कि प्रोजेक्ट फेल्योर के चांसेस। जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करेगा, हमने आज जो टारगेट सोचे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह से पूरे हो पाए। जैसे देखिए, हमने देखा हमारे कंट्री में मार्च और अप्रैल में कंप्लीट लॉकडाउन हो गया, उस समय जिसके भी जो प्रोजेक्ट सोचे हुए थे वो डेफिनेटली स्टे पे चले गए होंगे, होल्ड पे चले गए होंगे। तो ये एक तरह की रिस्क है जो कि डायनेमिक एनवायरनमेंट की वजह से होती है। सो रिस्क इज़ ऑल्सो द कंट्रोल वेरिएबल इन द प्रोजेक्ट, कि आप कैसे अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं, कैसे आप अपने रिस्क का इंश्योरेंस करवाते हैं, या फिर आप कैसे वो सावधानियां बरतते हैं जिससे कि रिस्क कम से कम हो। सो दीज ऑल आर द कंट्रोल वेरिएबल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। कल हम पढ़ेंगे कि एक प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, प्रोजेक्ट में कौन कौन से फेजेस होते हैं। इसके रिटर्न नोट्स मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगी, आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और कोई डाउट्स आए तो आप मुझे मेल कर दीजिए। थैंक यू।